पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ये बेल घंटा दबा दें, क्योंकि ये बेल घंटा इसलिए है जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा और सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन। आज की जो वीडियो है दोस्तों, पर्सनल लोन लेने के ऊपर, पूरे 1 लाख तक का पर्सनल लोन आप घर बैठे ले सकते हो अपने बैंक अकाउंट पे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। बहुत ही कमाल की जो साइट है लेके आया हूँ, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, ये साइट है, वेबसाइट है एक, ये इसका कोई प्ले स्टोर मतलब इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये एक इंडियन वेबसाइट है और बिल्कुल 100% बिल्कुल रियल है। इसका कस्टमर केयर का नंबर भी आपको सब मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, स्किप मत कीजिए दोस्तों। अगर आपको लेना है दोस्तों तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखते रहिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं loansing.com की। दोस्तों आपको एक बहुत बढ़िया साइट है दोस्तों loansing, ये आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, ये मैंने बता चुका हूँ। इसके लिए जाना होगा आपको loansing.com। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगा और ये वेबसाइट सीधे चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पहले बोलेगा आपकी मंथली सैलरी कितनी है और EMI आप कितना भर सकते हो। तो इसको देख के आप डरिए मत, आप पहले ध्यान से सुन लीजिए आपको करना क्या होगा। आपके बताया हूँ कि आपके बैंक में लेन देन पैसा होना चाहिए, हर मंथ आप कम से कम अच्छे खासे पैसे लेन देन करते रहिए, आपको लोन यहाँ पे मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सैलरी स्लिप ये नहीं लेंगे, आपको सिर्फ बैंक अकाउंट पर ही आपको लोन देता है अच्छे खासे। तो यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे कहीं भी आप जॉब करते हो, छोटा से लेके बड़ा कुछ भी आप वर्क करते हो बिना सैलरी स्लिप की, ठीक है, यहाँ पे आपको डाल देना है सैलरी। आपको 20 या 25 जो भी डालते हैं, 10 20 जो भी सैलरी डालना है आपको डाल दीजिए, यहाँ पे 15 16 जो भी सैलरी डालना है डाल दीजिए, सैलरी डाल दिया मैंने। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको EMI जो भरना है आपको हर मंथ, यहाँ पे कम से कम EMI जो भी मंथ भरना है आपको 2000 5000 जो भी EMI हर मंथ आपको भरना है जितना आप लोन लोगे यहाँ पे भर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको नेक्स्ट यहाँ करना है और उसके बाद उस सारा प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अपना पैन कार्ड आधार कार्ड जो भी है यहाँ पे अपलोड कीजिए और बैंक का जो 3 महीने का जो 3 महीने का यहाँ पे होगा बैंक का स्टेटमेंट वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, तो अपलोड कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अप्लाई कर दीजिए, 48 घंटे के अंदर आपके बैंक में पैसे आने के अंदर यहाँ पे बैंक में आपके पैसे आ जाएंगे। इस जो साइड है ये साइड के थ्रू बिल्कुल 100% इंडियन साइड है, इस पर जाइए आप कम से कम अगर पर्सनल लोन है इसको चेक कीजिए अपने। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इसका कस्टमर केयर का नंबर ये, और बेफिक्र से कस्टमर केयर का नंबर भी कम से कम बात कर लीजिए, कस्टमर की हेल्प भी ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आता है कस्टमर की हेल्प भी ले सकते हैं, अगर कुछ दिक्कत आती है तो कस्टमर के पास खुद कॉल करेंगे, तो कस्टमर से हेल्प ले लीजिए। उसके इस पे अप्लाई कीजिए, जांच पता ले लीजिए इसको अच्छे से, उसके बाद इस पे अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।